हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अभिलाषा जायसवाल, हैशटैग नवाबी बनारसी। नाउ आज ना मैं इतना इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ कि डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में आपको मजा तो आने वाला है, साथ ही साथ आपको बहुत जोर की भूख लगने वाली है। भूख क्यों लगने वाली है ये तो आप टाइटल से ही समझ गए होंगे। आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पिज्जा ब्रांड्स का रिव्यू करने वाली हूँ। नाउ पिज्जा मैंने मंगा लिए हैं और इनको मैं कई सारे पैरामीटर्स पे रिव्यू करूंगी, तो एक एक करके अपना रिव्यू शुरू करते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से तीन ब्रांड्स का रिव्यू करने वाली हूँ। नाउ ये तीनों ब्रांड्स बहुत फेमस हैं एंड आई एम श्योर अगर आप मेरी तरह पिज्जा लवर हैं तो डेफिनेटली आपने इन तीनों ब्रांड्स के नाम सुने होंगे। लेकिन किसका पिज्जा कितना टेस्टी है, कितना सॉसी है, कितना स्पाइसी है, कितना चीजी है, ये तो तीनों को साथ में खा के और कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन से तीन ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज पिज्जा हट, सेकेंड वन इज शिकागो पिज्जा और जो तीसरा है वो है डोमिनोज पिज्जा। ये तीनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं एंड एज अ पिज्जा लवर आई एम श्योर आपने इनके बारे में सुना जरूर होगा। पहले तो मैं बता दूं तीनों मैंने होम डिलीवरी कराई थी और ये तीनों घर पे आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से तीन पिज्जा हैं। इन बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फ्लेवर है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पिज्जा हट की, तो मैंने पिज्जा हट से वेजी सुप्रीम ऑर्डर किया है। इसकी कॉस्ट जो थी 452 थी और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 372 का पड़ा है। नेक्स्ट इज शिकागो पिज्जा। ना शिकागो पिज्जा की अगर मैं बात करूं तो शिकागो पिज्जा से भी मैंने वेजी ट्रीट ऑर्डर किया है तो शिकागो मुझे पड़ा है 491 का था एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 400 का पड़ा है। मैंने डोमिनोज से फार्म हाउस ऑर्डर किया है। फार्म हाउस का प्राइस था 285 रुपीज रेगुलर का, जो कि मुझे आफ्टर डिस्काउंट 229 रुपीज का पड़ा है। तो ये तो हो गया प्राइस रेंज। प्राइस रेंज अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो तीनों लगभग एक ही प्राइस रेंज क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट के बेसिस पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं अट्रैक्टिव की बात करूँ, कलरफुल की बात करूँ, तो आप खुद देख सकते हो शिकागो पिज्जा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा कलरफुल है, बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं एंड उसमें ऊपर से चीज भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो देखने में अगर मैं बात करूं तो मुझे शिकागो पिज्जा ज्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू अदर टू। टॉपिंग्स की बात करूं अगर मैं, तो टॉपिंग्स अगर आप देखोगे तो पिज्जा हट में भी टॉपिंग्स कम हैं एंड देन मुझे डोमिनोज में भी टॉपिंग्स कम लगे एंड पता नहीं कि मुझे बस फ्लफी सा लग रहा है। एंड थर्ड अगर मैं बात करूं शिकागो पिज्जा की, तो इसमें टॉपिंग्स बहुत ज्यादा दिए हैं। तो टॉपिंग्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे शिकागो पिज्जा ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगी, जब मैंने इन्हें ऑर्डर किया था, इन तीनों को मैंने अलग अलग फोन से ऑर्डर किया था, एक ही टाइम पे ऑर्डर किया था एंड जस्ट टू चेक डिलीवरी की इनकी डिलीवरी कितने टाइम में हो रही है। तो जब मैंने ऑर्डर किया, ये जो डोमिनोज का पिज्जा है ये 25 मिनट्स में डिलीवर हो गया था। इनकी पॉलिसी भी है 30 मिनट और डिलीवरी, अदरवाइज पिज्जा फ्री, तो 25 मिनट्स में डिलीवर हो गया था। शिकागो पिज्जा मुझे 30 मिनट्स में डिलीवर हो गया था, 30-35 मिनट्स में। एंड पिज्जा हट, ओ माय गॉड, आई डोंट नो पिज्जा हट इतना लेट डिलीवरी दिया था, ये बहुत लेट डिलीवर हुआ था। आई गेस 40-50 मिनट्स लग गए थे, मतलब 40 मिनट्स दिखा रहा था और 50 मिनट्स लग गए थे, तो ये सबसे लेट आया था। अच्छा, एक चीज और, जल्दी आने की वजह से डोमिनोज का पिज्जा काफी गर्म था, देन शिकागो का पिज्जा भी गर्म था, बट पिज्जा हट पूरी तरीके से ठंडा हो गया था। एंड यू ऑल नो, अगर हम पिज्जा की बात करें तो गर्म पिज्जा जब आप खाते हो तो वो जो चीज का टेस्ट आता है, वो वेजीज का टेस्ट आता है, वो डेफिनेटली ठंडे पिज्जा में नहीं आता है। शुरू करते हैं टेस्टिंग और सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ से रिव्यू शुरू किया था तो अब हम टेस्टिंग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा डोमिनोज का पिज्जा। अंदर से बहुत चीजी है, इसमें पूरे पे बहुत अच्छा चीजी फ्लेवर आ रहा है, सॉस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सॉस है। वेजीज का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बट साइड से ये बहुत मोटा है, ये मोटा बहुत है, बीच से ठीक है, साइड से बहुत मोटा है एंड
सॉस इसमें थोड़ी सी और सॉस हो जाता है ना, तो पिज्जा सॉस की वजह से इसका टेस्ट और ज्यादा एनहांस हो जाता, तो आई गेस इसमें थोड़ा सा सॉस और होना चाहिए था, अदरवाइज टेस्ट इज गुड। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अब हम शिकागो का पिज्जा ट्राई करेंगे एंड ओ माय गॉड इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पिज्जा। अगर मैं इसके क्रस्ट की बात करूं, इसका क्रस्ट बहुत अच्छा है, बहुत पतला है और आप देख सकते हो साइड से बिल्कुल भी मोटा नहीं है, हर तरफ से इवन है। और जब मैं डोमिनोज को देख रही हूँ, कहीं से फूला है कहीं से पतला है, इसका एकदम इवन इसका बेस है और एकदम इवन पिज्जा निकल के आया है। चीज इसकी बहुत अच्छी, इसका सॉस बहुत अच्छा है, सॉस का एकदम परफेक्ट बैलेंस है, तो बहुत क्रिस्पी है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। माय गॉड मैं रुक नहीं पा रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कंपेयर भी करना है, मैं बस खाई चली जा रही हूँ। थोड़ा रुकते हैं, थर्ड भी है हमारे पास ट्राई करने को ना। अगर हम थर्ड पिज्जा ट्राई करते हैं तो ये पिज्जा हट का है एंड इसका भी क्रस्ट ठीक लग रहा है मुझे एंड इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। इसमें चीज थोड़ी सी कम है, सॉस ठीक है बट चीज मुझे बहुत कम लग रही है एंड प्लस वेजीज जो इसमें जो प्याज पड़े स्पेशली अनियन जो पड़ा बहुत बड़ा बड़ा पड़ा है, तो थोड़ा और पतला ये छोटा करना जा सकता था, चीज थोड़ा और डाल देते अगर और थोड़ा गर्म भेजते तो आई गेस ये और ज्यादा अच्छा लगता, तो यही मुझे लग रहा है। यस दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। अगर मैं रेटिंग करूंगी तो नंबर वन पे मैं दूंगी शिकागो पिज्जा, दिस हैज वन माय हार्ट, ये मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया लगा। सेकेंड नंबर पे मैं रखूंगी डोमिनोज को ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, जो हमने डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट पे शिकागो पिज्जा है, सेकेंड पे डोमिनोज है एंड थर्ड पे आता है पिज्जा हट। सो दिस इज इट अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन गो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक दे दो, कमेंट कर दो एंड शेयर इट विद योर फूडी फ्रेंड्स, जिनको भी पिज्जा पसंद है उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इन पिज्जा को ट्राई कर सके और उन्हें भी पता चले विच वन इज बेस्ट फॉर देम। एंड यस दिस इज इट, आई होप यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज एंड इफ नॉट देन गो चेक आउट माई ऑल प्रीवियस वीडियोज, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच अमेजिंग वीडियोज, सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय।